हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टाइगन गेमिंग। आपका दिन शुभ हो। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि कौन जीतेगा अगर गोकू और सेतमा के बीच में फाइट हुई। तो उस वीडियो में कुछ ज़्यादा ही व्यूज़ आ गए थे। और आज की इस वीडियो में मैं गोकू की नॉन करंट में सबसे ताकतवर वर्षन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो गोकू का सबसे पावरफुल नॉन करंट वर्शन है ड्रीप गोकू। ये नॉर्मल गोकू ही है, पर काले जैकेट पहनने से उसके पास गॉड लाइक पावर्स आ जाती है। वो एक ट्रू गॉड बन जाता है, मतलब ट्रू ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिशाली, ट्रू ओमनीसिएंट सर्वज्ञानी और ट्रू ओमनीप्रेजेंट, जो सब जगह पर उपस्थित रह सकता है। उसे नॉन कैनन में कोई भी कैरेक्टर नहीं हरा सकता। मैं तो तब हैरान हो गया जब मैंने रिसर्च में पाया कि उसने टोरी बोर्ड, वन एबव ऑल और द राइटर को सिर्फ अपनी 4% पावर से ही मार डाला। और भाई, एनिमे के एक गॉड को तो उसने सिर्फ अपनी देखने से मार दिया, मतलब सिर्फ देखने से मार दिया। भाई, लॉजिक कहाँ है यहाँ पर? आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसे वो मार सकते हैं गॉड को सिर्फ देखकर। और भाई, उसके पास ड्रीप अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नाम की एक बहुत पावरफुल चीज़ है, जिसे लिटरली कोई भी नहीं हरा सकता। अगर उस ट्रांसफॉर्मेशन में वो गया ना, तो भाई उसे कोई भी नहीं हरा सकता। वो ट्रू गॉड बन चुका है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। भाई, उसे नॉन कैनन में कोई भी नहीं हरा सकता। वो ट्रू गॉड है, ट्रू इमॉर्टल है, उसके सामने कोई भी नहीं खट सकता, चाहे वो कोई ट्रू गॉड ही नहीं हो। भाई, उसने इमॉर्टल्स को मार दिया है, तो उसकी पावर्स की कोई सीमा नहीं है। उसके लिए इमॉर्टलिटी, इन्फर्नाइट जैसे शब्द ना छोटे पड़ जाते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, तो लाइक कीजिए और जल्द से जल्द इस वीडियो को पॉपुलर कीजिए शेयर करके।